हाँ जी, देखिए अब हम एक ऐसी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कि यार अगर मॉलिक्यूलर में बाहर से सवाल आएगा ना तो यहाँ से आने की संभावना है, इसलिए मैं एक टॉपिक आपको बताता हूँ। मैंने अभी तक आपसे जो भी बातें करी है डीएनए के बारे में, वो सारी बातें मैंने वो डीएनए के बारे में बात करी है जो वॉटसन एंड क्रिक ने ढूंढा है। डीएनए उसके बारे में स्टडी किया उन्होंने। देखिए डीएनए को क्वाइलिंग के बेसिस पर, डीएनए को डायमीटर के बेसिस पर, डीएनए को कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, डीएनए को हेलिक्स के लेंथ के बेसिस पर अलग अलग पांच कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट केवल एक ही है जो मैंने आपको पढ़ाया है वॉटसन क्रिक का। लेकिन आपके नोट्स में मैंने पांचों टाइप के डीएनए का जो डाटा है वो मैंने दे दिया है। याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात याद रहना चाहिए कि एक डीएनए ऐसा है जिसमें क्वाइलिंग लेफ्ट होती है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको याद हो कि डीएनए कैसा था, एक दो स्ट्रैंड बनकर तैयार होता था और उसके बाद इसमें क्वाइलिंग होता था। देखिए क्वाइलिंग दो तरीके से हो सकता है। एक ऐसा क्वाइलिंग हो सकता है जहां पर इस तरीके से क्वाइलिंग हो, देखिएगा ध्यान से, क्लॉकवाइज ऐसे इस टाइप से, ठीक है, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज, और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो आपने पढ़ा है वो राइट हैंडेड डायरेक्शन वाला क्वाइलिंग था डीएनए का। आप बोलोगे सर डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड होता है, आप सिंगल स्टैंडर्ड को क्वाइलिंग बताए प्रोटीन की तरह। अरे नहीं यार, डबल स्टैंडर्ड का क्वाइलिंग मैं हाथ से नहीं बता पाऊंगा, मतलब कि ये बोर्ड पे लिख के नहीं बता पाऊंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये दो स्ट्रैंड है तो इन दोनों के बीच में क्वाइलिंग या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है। इस बेसिस पर क्लॉकवाइज जाता है या एंटी क्लॉकवाइज जाता है, इस बेसिस पर डीएनए कई प्रकार के, जो आपको मैंने पढ़ाया वो राइट हैंडेड है, जो एक एक्स्ट्रा आज बताऊंगा वो लेफ्ट हैंडेड है, और वो एक ही है। आइए मैं आपको सारा बात डायरेक्ट नोट से दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कम इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ये देखिए, यही मैं आपको बताने वाला था, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ डीएनए है, किस बेसिस पे क्वाइलिंग डायरेक्शन, डायमीटर और हेलिक्स की लेंथ, और भी कई बातें यहाँ पे मेंशन की जाती है, लेकिन ये तीन बातें मेजर है, क्वाइलिंग डायरेक्शन, डायमीटर एंड हेलिक्स लेंथ। मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया, बताइए डीएनए का डायमीटर मैंने आपको 20 एंगस्ट्रम बताया, राइट, हेलिक्स का लेंथ, एक हेलिक्स का लेंथ 34 एंगस्ट्रम बताया, और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर की संख्या बताई मैंने आपको, और वो डीएनए है बीडीएनए, नाम है एबीसीडी एंड जेड, सीरीज में नाम देते चले गए एबीसीडी, एंड देन एक अलग टाइप का था इसलिए उसको नाम दिया मैंने जेड, मैंने नहीं सैंडस्टोन, जेड का मतलब यहाँ पे जिग जैग, उसका मतलब भी अभी आपको मैं समझाऊंगा। ए हो, बी हो या सी हो या डी हो, इन सभी में क्वाइलिंग राइट हैंडेड है, देख रहे हो, और सबकी डायमीटर मैंने लिख दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी मर्जी हो तो आप याद कर सकते हैं, अननेसेसरी इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, मैंने लिख दिया भले, हाँ इंपॉर्टेंट ही है, ये तो खूब इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। जो आप डीएनए पढ़े हो, वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए स्टडी किया वो पढ़े हो आप, और मैं आपको बताऊं मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही डीएनए मिलता है बी टाइप, यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, देखो मोस्ट कॉमन डीएनए इन ऑर्गेनिज्म स्टडीड बाय वॉटसन एंड क्रिक, और उसका तो मैंने आपको सबको समझाई दिया। हाँ, इन सब के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, इसके बारे में बस एक ही बात रखना है कि राइट हैंडेड होते हैं सबके सब, ए बी सी डी। अब आते हैं किस पे, ये वाला जो जेड डीएनए, देखिए जेड डीएनए में जो क्वाइलिंग होती है लेफ्ट हैंडेड होती है, बात सच है, लेकिन डीएनए जो वहां क्वाइलिंग होता है ना उसके बाद वो जिग जैग दिखता है। देखिए इन सब में क्वाइलिंग इस टाइप से दिखेगा, देखिएगा ध्यान से, इस टाइप से राइट हैंडेड, लेकिन जब लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होती है ना तो वहां पे जिगजैगनेस आ जाता है, ऐसे जेड टाइप से अपीयरेंस बन जाता है, इस टाइप से, राइट।
तो ये है जिगजैग डीएनए, इसको जेड डीएनए के नाम से जानते हैं। और इसकी डायमीटर वगैरह आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी उससे, नॉर्मल डीएनए से। नॉर्मल कौन है? बी डीएनए, मोस्ट ऑफ द ऑरिजिन में वही है। जैसे इसकी एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि लेफ्ट हैंडेड है। दूसरा, इसकी डायमीटर देखोगे तो 18 एंगस्ट्रम होती है। देख लो आप, इससे कमी डायमीटर आपको दिख रहा है 18। और इसके हेलिक्स, एक हेलिक्स यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो इसकी लेंथ ज्यादा होती है उसके कंपैरिजन में। कितना? 45.6 एंगस्ट्रम। हाँ, इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है। क्या भाई? जैसे मैंने कहा कि इसमें एक हेलिक्स यहां से यहां तक है, राइट? और इसके एक हेलिक्स में कितना बेस पेयर है? 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक अधिक हो गया 10। लेकिन इसमें एक हेलिक्स में 6 बेस पेयर होगा, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अरे रुक गए, 12 करना है ना टोटल, तो एक इसमें और डालिए। अरे यार, काउंटिंग ऊपर नीचे हो गया। 12 करना है टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि 6 आधे हेलिक्स में और 6 आधे अगले हेलिक्स में। यानी कि यहाँ टोटल 12 बेस पेयर है, यहाँ टोटल 10 ही बेस पेयर है। अच्छा, एक वाट यहाँ पे आपको लिखा मिला होगा डाइमर। इस डाइमर का मतलब समझिए, आप चाहे तो अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि यहाँ क्या होगा डीएनए के लेंथ में न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है एडेनिन है तो अगला भी एडेनिन हो सकता है, फिर से एडेनिन ही हो जाए, फिर थायमिन हो, फिर साइटोसिन हो, फिर गुआनिन हो। इसका मतलब यहाँ पे सीक्वेंस मतलब कि सीरीज में नहीं है। लेकिन यहाँ पता कैसे होता है? अगर मान लिया जाए यहाँ एडेनिन है, एडेनिन क्या एक प्रकार का प्यूरिन, तो अगले उसी स्ट्रैंड में अगला जो बेस होगा वो पाइरिमिडीन होगा। जैसे ए आ गया तो अगला या तो सी या तो जी में से कोई एक होगा, लेकिन ए या टी में से कोई नहीं होगा, या तो सी या तो जी में से। जैसे अब सी आया तो अगला जी या सी में से कोई नहीं होगा, या तो टी होगा या तो ए होगा। तो मान लिया मैंने टी है अगला, अब अगर टी आ गया तो अगला ए या टी में से कोई नहीं होगा, सी या जी में से कोई एक होगा। मान लिया मैंने जी है। ऐसे एक प्यूरिन और एक पाइरिमिडीन को मिलाकर डाइमर कहते हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया डाइमर क्या होता है? डाइमर बेस पेयर से अलग चीज है। बेस पेयर कहने के लिए दो स्ट्रैंड का होना जरूरी है, और आप डाइमर में भी दो ही बेस को आप काउंट कर रहे हो लेकिन पेयर नहीं कह रहे हो, वहां उसको आप डाइमर वर्ड दे रहे हो। और वो एक ही स्ट्रैंड के अंदर प्यूरिन और पाइरिमिडीन का जो जोड़ा है उसको आप डाइमर बोल रहे हो। कितनों का समझ में आएगा डाइमर क्या होता है? डाइमर, ठीक है। तो ये जो जेड डीएनए है इसमें डाइमर पाया जाता है, ये दिस इज डाइमर। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से बताऊं? ये देखो, मैंने कहा कि ये वाला डीएनए एबीसीडी वाला इस टाइप का कॉइलिंग है, ठीक है। उसमें अगर यहाँ एडेनिन आया तो अगला भी एडेनिन आ सकता है, अगेन एडेनिन आ सकता है, देन थायमिन आ सकता है, देन साइटोसिन, गुआनिन, सो ऑन। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है कि अगर एक एडेनिन, देखिए डीएनए में प्यूरिन क्या होता है आपको पता है, प्यूरिन या तो ए होता है या तो जी होता है, और पाइरिमिडीन या तो टी या तो सी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ ए आया मतलब क्या आ गया? पाइरिमिडीन आ गया, ठीक है। यहाँ पाइरिमिडीन, ए इज पाइरिमिडीन, सॉरी ए इज प्यूरिन, ए आया मतलब प्यूरिन आ गया। तो अगला प्यूरिन नहीं आना चाहिए, प्यूरिन नहीं आता है, अगला कोई पाइरिमिडीन आएगा, और वह पाइरिमिडीन या तो टी होगा या तो सी होगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन प्यूरिन नहीं आना चाहिए, मतलब ए और जी में से कोई नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा सी आ गया। चलो, अब अगर अगला सी आ गया है तो फिर अगला वाला जो अगला स्ट्रैंड आएगा वो, ये सी क्या एक प्रकार का पाइरिमिडीन है, तो अगला फिर पाइरिमिडीन नहीं होगा, टी और सी में से कोई नहीं हो सकता, ए या जी में से कोई होगा। मैंने कहा चलो भाई अगला क्या है? जी है। जैसे सी के बाद टी आया, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, पता है क्या? देखिए मैं आपको कंडीशन बताता हूँ क्या है। कंडीशन ये है डायमर बनने का कि एक प्यूरिन आना चाहिए, देन एक पाइरिमिडीन आना चाहिए, देन एक प्यूरिन आना चाहिए, देन एक पाइरिमिडीन आना चाहिए, देन एक प्यूरिन आना चाहिए, देन एक पाइरिमिडीन आना चाहिए। और ये प्यूरिन पाइरिमिडीन को मिला के बोलते हैं डाइमर, ठीक है। एग्जांपल फिर से मैं सेट कर देता हूँ। अगर एक एडेनिन आया तो एडेनिन एक प्रकार का प्यूरिन है डीएनए में, तो अगला कोई प्यूरिन नहीं आना चाहिए, ना ए ना जी, टी या सी में से कोई एक आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो भाई सी आ गया। अब अगला प्यूरिन आना चाहिए, ए या जी में से कोई एक आना चाहिए, यहाँ टी नहीं होगा, ये गलत है।
अगला प्यूरिन आना चाहिए, तो अगला प्यूरिन ए या जी में से कोई होगा। मैंने कहा चलो भाई जी आ गया, अगर जी आया तो जी क्या है प्यूरिन है, तो अगला पायरिमिडीन आना चाहिए, प्यूरिन नहीं आना चाहिए, मतलब टीसी में से कोई। मैंने कहा चलो भाई टी आ गया, अगला पायरिमिडीन। अब अगला प्यूरिन आना चाहिए ए या जी में से कोई। मैंने कहा चलो भाई अगेन जी आ गया, जी आ गया। अब ए जी में से कोई नहीं आना चाहिए, टी या सी में से कोई आना चाहिए। मैंने कहा चलो अगेन सी आ गया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक डाइमर, ये ऐसे ऐसे, ये देख लो एक डाइमर, दो डाइमर, तीन डाइमर। तो यहाँ पे आपको तीन डाइमर मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपको तीन डाइमर मिल जाएगा, कुल मिला के तीन डाइमर छह डाइमर मिल जाएगा। ये छह डाइमर इधर हुआ और छह डाइमर इधर भी, ध्यान दीजिएगा। तो ये हेलिक्स में आपको डाइमर जो बोला है, डाइमर का मतलब समझ लो, डाइमर का मतलब है दो न्यूक्लियोटाइड ही होगा, दो नाइट्रोजन स्पेस ही होगा, लेकिन प्यूरिन पायरिमिडीन का कॉम्बो होगा, दिस इज डाइमर। कितनों को अब समझ में आ गया डाइमर क्या है, डाइमर क्या है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजिनस बेस ये अलग चीज है और डाइमर ये अलग चीज है। नाइट्रोजिनस बेस में कंडीशन है ए जी के साथ, या सॉरी ए टी के साथ डबल बॉन्ड और जी सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ डाइमर का मतलब है प्यूरिन और पायरिमिडीन का कॉम्बो। बस तो आपको ये बात रखना है कि जो जेड डीएनए है वहां पर डाइमर पाए जाते हैं, कितने 6 डाइमर मिलेंगे, क्योंकि टोटल बेस पेयर कितने हैं 12 है, तो डाइमर तो 6 ही होंगे ना यार, डाइमर तो 6 ही होंगे, ठीक है, काउंट कर लेना आप 6 आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाला मैंने ये गलत लिखा था, ठीक है। चलिए तो ये बातें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको फिर से बोल दूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, मैं आपको फिर बोलूंगा इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, बीडीएनए में राइट हैंडेड क्वाइलिंग होता है और जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग होता है, इतना ही बस याद रखिए। ये भी अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, और ये सब आपको याद नहीं रखना है, इसलिए मैंने डायरेक्टली नोट से बता दिया। ये था टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, जल्दी से ज्योति क्लियर है अब? यस सर। नवीन? यस सर। निशा? यस सर। रिभा क्लियर है? यस सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।